हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1973 में रिलीज हुई मलेशिया मूवी को, जिसे डायरेक्ट किया था साल्वाडोर सैम्प्री ने। और बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार। इस मूवी में हम देखेंगे बाप और बेटे दोनों को अपनी नौकरानी से प्यार हो जाता है और बाप नौकरानी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके बेटे को ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और फिर वो उसके लिए क्या क्या करता है, ये मूवी में दिखाया गया है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक फ्यूनरल को देखते हैं और ये फ्यूनरल इग्नाजियो की वाइफ का होता है। इग्नाजियो के 3 बेटे भी होते हैं, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम एंजियो होता है, दूसरा बेटा नीनो और तीसरा बेटा नूसियो। इग्नाजियो की वाइफ के गुजर जाने के बाद ये चारों अकेले रह गए थे। फिर इग्नाजियो एंजेला नाम की नौकरानी को रखता है, जो काफ़ी खूबसूरत होती है। एंजेला काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है और वो चारों का बहुत ख्याल रखती है। इग्नाजियो के दोनों बेटे नूसियो और नीनो एंजेला की तरफ अट्रैक्टेड होने लगते हैं। एक दिन नूसियो एंजेला के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन एंजेला को ये सब पसंद नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं नीनो अपने दोस्त पोर्सेलो को भी एंजेला के बारे में बताता है और वो भी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद एंजेला को किचन में डेली एक गुलाब मिलने लगता है, जिसे नीनो छुपाकर रखता था। फिर एक दिन फुटबॉल खेलते समय नीनो कांच के टुकड़े पर गिर जाता है, जिससे उसके थाई पर चोट लग जाती है। इसके बाद वो घर आता है और एंजेला उसके थाई पर बैंडेज लगाती है और वो इस टाइम पूरा नेकेड होता है। फिर इसके बारे में वो पोर्सेलो को बताता है, फिर वो भी एंजेला को सेड्यूस करना चाहता है। इसके बाद पोर्सेलो नीनो को अपने सिस्टर का बेडरूम दिखाता है, जिसमें वो सो रही होती है और उसने एक सेक्सी ड्रेस पहन रखी होती है। फिर हम देखते हैं रात को एंजेला एंजियो को चेक करने आती है, तब नीनो उसे देखता है कि उसने एक ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन रखी है। इसके बाद वो एंजेला को किसी भी कीमत पर नेकेड देखना चाहता था। अगले दिन नीनो को स्कूल न जाना पड़े, जिसके लिए वो बीमार होने का बहाना बनाता है, लेकिन एंजेला को पता चल जाता है कि वो ड्रामा कर रहा है। वो उससे पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं गया, लेकिन नीनो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एंजेला काफ़ी ऊंचाई पर चढ़कर एक विंडो साफ कर रही होती है और उसने एक छोटी सी स्कर्ट पहन रखी होती है, जिससे उसकी बैक दिख रही होती है, जिसे इग्नाजियो देख लेता है और वो उसे घूरने लगता है और वो भी एंजेला की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। दूसरी तरफ नीनो भी ये नज़ारा देख कर मज़े ले रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इग्नाजियो एंजेला के साथ शादी करना चाहता है और वो ये भी जानता है कि एंजेला सिंगल है। फिर इग्नाजियो का बड़ा बेटा नूसियो भी एंजेला को इम्प्रेस करने में लग जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। फिर एक दिन एंजेला देख लेती है कि नीनो ही उसके लिए गुलाब रख रहा है। फिर उसी दिन नीनो को किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो वहां जाकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि नूसियो एंजेला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था और एंजेला मना कर रही थी। इसके बाद नीनो नूसियो से भिड़ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। एंजेला उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते। तब एंजेला वहाँ से चली जाती है, क्योंकि नूसियो जानता था कि नीनो भी एंजेला को लाइक करता है। इसलिए वो नीनो से कहता है कि आज रात वो एंजेला के कमरे में जाएगा और उसके साथ इंटीमेट भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं रात को नूसियो रेडी हो रहा होता है और उसी टाइम इग्नाजियो भी रेडी होने लगता है, क्योंकि आज रात वो एंजेला से अपनी शादी की बात करने वाला था। फिर नीनो देखता है कि इग्नाजियो एंजेला के रूम में जा रहा है, जिसे देखकर उसकी जलने लगती है। फिर वो उसे रोकने के लिए एक ग्लास से विंडो के शीशे को तोड़ देता है, जिससे एक अलार्म बजती है और इग्नाजियो को लगता है कि कोई चोर घुस आया है। अगले दिन पुलिस आती है, फिर उन्हें पता चलता है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, इसलिए इग्नाजियो को लगने लगता है कि ये उसकी वाइफ के भूत ने किया है। इसके बाद हम देखते हैं इग्नाजियो नीनो को कुछ कपड़े लेकर कोरेलो के यहाँ डिलीवर करने के लिए कहता है, ताकि वो एंजेला से शादी की बात कर सके, जिससे नीनो को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। जब वो कोरेलो के यहाँ कपड़े लेकर पहुँचता है, तब कोरेलो को लग रहा था कि इग्नाजियो कपड़े लेकर आएगा, क्योंकि वो उसे सेड्यूस करना चाहती थी, लेकिन वो नीनो को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो नीनो को वाइन ड्रिंक करने के लिए कहती है और वो उसे ही सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि वो कपड़े पहनकर आ रही है और वो उसका वेट करे, लेकिन नीनो पोर्सेलो को वहाँ पर बैठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर घर आकर वो इग्नाजियो और एंजेला के बीच हुई सारी बातों को सुन लेता है। इग्नाजियो एंजेला को शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि उसे एक वाइफ और अपने बच्चों के लिए माँ की ज़रूरत थी, लेकिन एंजेला को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बस एक नौकरानी थी। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो शादी के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन ये सब सुनकर नीनो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर एंजेला को पाना चाहता था। अगले दिन इग्नाजियो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपनी माँ से मिलने जाता है और वो उसे कहता है कि वो अपनी नौकरानी एंजेला से शादी करने वाला है। ये सुनकर उसकी माँ उसे मना करती है कि तुम्हें उस नौकरानी से शादी नहीं करनी चाहिए, अगर तुम एक नौकरानी से शादी करोगे तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी। इग्नाजियो अपनी माँ को समझाने लगता है कि वो एंजेला से प्यार करता है। फिर उसी रात को हम देखते हैं नीनो अपने छोटे भाई एंजियो को जगाकर कहता है कि उसने अपनी मॉम का भूत देखा है और वो नींद में उसका नाम ले रहा था। वो उसे जोर जोर से रोने को बोलता है
और नीनो की बात मानकर एनजीओ रोने लगता है और कहता है कि उसने अपनी मॉम को देखा है और उसे अपनी मॉम चाहिए, जिसकी आवाज सुनकर एंजेला वहां पर आ जाती है, लेकिन फिर भी वो रोना बंद नहीं करता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर उसी टाइम टीवी देखते हुए नीनो एंजेला की लेग्स को टच करने लगता है, लेकिन एंजेला उसे इग्नोर कर देती है। अगली सुबह जब एंजेला कपड़े प्रेस कर रही होती है, तब नीनो वहां पर आता है और उसकी ब्रा उठाकर उसे पूछता है कि ये क्या है। तब एंजेला उस पर चिल्लाकर कहती है कि उसे सीधा बनने की जरूरत नहीं है, वो जानती है नीनो कितना चोदू है और उसने उसके कमरे में एडल्ट मैगजीन भी देखी हुई है। फिर रात में नीनो फिर से एनजीओ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो नहीं उठता। तब नीनो खुद ही चिल्लाने लगता है कि उसने अभी अपनी माँ के भूत को देखा है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह नीनो एंजेला से बेहुदी बातें करता है, जिससे एंजेला काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर शाम को नीनो एंजेला को सीढ़ी पर चढ़कर एक बुक निकालने को कहता है। जब एंजेला ऊपर चढ़ी हुई होती है, तब नीनो अपनी हवस भरी निगाहों से उसकी सेक्सी लेग्स देखता है, लेकिन एंजेला को उसके इरादों के बारे में पता चल जाता है। फिर वो उस पर चिल्लाती है, जिसके बाद नीनो वहाँ से चला जाता है। अब उस रात को भी नीनो चिल्लाता है कि उसने अपनी माँ के भूत को देखा है। फिर अगले दिन इग्नाजियो एक फादर को लेकर आता है, क्योंकि उसे सच में ऐसा लगने लगा था कि उसकी वाइफ का भूत घर में है और वो जल्द से जल्द अपनी वाइफ की आत्मा को घर से भगाना चाहता था, क्योंकि वो इसके चलते एंजेला से शादी नहीं कर पा रहा था। जब फादर इग्नाजियो की बातों को सुनते हैं, तब वो कहते हैं कि उन्हें उसके बेटों के साथ डिनर करना है। फिर शाम को फादर सभी के साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि इग्नाजियो एंजेला के साथ शादी करना चाहता है, तो तुम लोगों को उसे अपनी मॉम की तरह एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर नूसियो कहता है अगर उसके फादर खुश हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी दौरान नीनो टेबल के नीचे से एंजेला को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसके हाथ को पकड़ लेती है। इसके बाद फादर नीनो से कुछ सवाल करते हैं, जिस पर नीनो कहता है उसे अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है और एंजियो भी यही कहता है। इग्नाजियो कहता है ये दोनों बच्चे हैं और हो सकता है इन दोनों ने कोई सपना देखा हो। फादर उससे कहते हैं जब तक उसकी वाइफ का भूत यहाँ से नहीं जाता, तब तक तुम एंजेला से शादी नहीं कर सकते। फिर रात को नीनो एंजेला के कमरे में जाता है और वो उसे घूरने लगता है। एंजेला अचानक से उठती है और नीनो से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन नीनो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और लगातार उसे घूरते रहता है। नीनो को इस तरह देखकर एंजेला काफ़ी डर जाती है और वो रोने भी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी एंजेला इग्नाजियो को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर सुबह को एंजेला नीनो के रूम में कचरा लेने के लिए जाती है, तब वो कागज के टुकड़े फेंकने लगता है, जिन्हें इकट्ठा करते करते एंजेला की हालत पतली हो जाती है। वो नीनो से कहती है वो उसे परेशान करना बंद कर दे और अगर वो उसे नेकेड देखना चाहता है तो वो नेकेड हो जाएगी। ये सुनकर नीनो रुक जाता है और एंजेला को इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं नीनो अपने दोस्त पोर्सेलो को लेकर अपने घर आता है और वो एंजेला से कहता है कि वो उसे नेकेड देखना चाहता है। फिर एंजेला अपने रूम में नेकेड होने लगती है और नीनो अपने दोस्त के साथ विंडो पर से उसे देखने लगता है, लेकिन जब एंजेला पूरी तरह नेकेड हो जाती है, तब नीनो वहां से पोर्सेलो को भगा देता है। फिर ये सब होने के बाद नीनो ने रात को चिल्लाना बंद कर दिया था। फिर इग्नाजियो को बहुत खुशी होती है, उसे लगता है कि उसकी वाइफ की आत्मा उसके घर से जा चुकी है और अब वो एंजेला से शादी कर सकता है। फिर हम देखते हैं एक रात को एंजेला अपने रूम में सोने के लिए आती है, तब नीनो वहीं पर होता है। फिर वो नीनो को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है अगर उसने शोर मचाया तो वो अपने फादर को बता देगा कि एंजेला उसके सामने नेकेड हुई थी। फिर उसी टाइम इग्नाजियो उसके डोर पर आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर नीनो एंजेला को टच करने लगता है। फिर मजबूरी में एंजेला उसे कुछ भी नहीं बोलती और नीनो जाने से पहले उसे कहता है कि उसे उसका एक काम करना होगा। अगले दिन नीनो की बात मानकर वो इग्नाजियो को सेड्यूस करने लगती है। ये सब देखकर इग्नाजियो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एंजेला के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। एंजेला उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर एंजेला उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद इग्नाजियो अपने किए के लिए शर्मिंदा होता है और उसे सॉरी कहता है। नीनो को लग रहा था ऐसा करने से उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसका ये प्लान भी काम नहीं आता। इसके बाद एंजेला गुस्से में नीनो पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। फिर उसी दिन इग्नाजियो अपनी मॉम के यहाँ शादी की बात पक्की करने के लिए जाता है और नूसियो भी घर पर नहीं होता, वो भी बाहर गया होता है। उस रात काफी तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से लाइट भी चली जाती है और घर में अंधेरा हो जाता है, जिससे एंजेला काफी डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। नीनो उसी बात का फायदा उठाता है और एंजेला को डराने लगता है। एंजेला डरने लगती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर नीनो उसे ब्लैकमेल करता है और उसे सारे कपड़े उतारने को कहता है, वरना वो उसे डराना नहीं छोड़ेगा। फिर एंजेला उसकी बात मान लेती है और सारे कपड़े उतार के नेकेड हो जाती है। तभी वो नीनो को भी पकड़ लेती है और उसके साथ इंटीमेट भी हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इग्नाजियो एंजेला के साथ शादी कर रहा होता है। शादी के बाद एंजेला नीनो के पास आती है, तब उसे देखकर स्माइल करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेला का नीनो के साथ अफेयर स्टार्ट हो चुका है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।
आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।